बढ़ते ही जाते जल भी उपयोग सबके यहाँ जो दूर 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 कर ही तो दूर से देख सकते हो खेत के बीच में निकला है शिवलिंग देवसर महादेव के नाम से। अच्छा आया था तो ये मतलब त्रिकोण टाइप था, अभी एकदम गोल हो गया है, गोल से सिद्धेश्वर महादेव रखे। अच्छा शिवलिंग का आकार दिनों दिन बहुत बढ़ता जा रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के फिर से एक नए वीडियो नए ब्लॉग पर। तो आज मैं फिर से एक बार आ गया हूँ तिरोया गांव में, जहाँ एक किसान के खेत में शिवलिंग निकला हुआ है। यहाँ पर जानेंगे इस वीडियो में कि यहाँ का माहौल कैसा है और यहाँ के शिवलिंग का नाम क्या रखा गया है। तो चलिए वीडियो में फटाफट आगे बढ़ते हैं और आपको ले जाते हैं जहाँ पर शिवलिंग निकला हुआ है। देख सकते हो स्टार्टिंग से यहाँ पर दुकान वगैरह लग गया है, पहले नहीं लगा था। यहाँ पर आया था तो मैं फर्स्ट वीडियो में आप लोग देखे भी हो। यहाँ पर देख सकते हो माहौल कैसे है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो टीना वगैरह में छाव यहाँ पर मस्त बना दिया गया है नया। और यहाँ पर लोगों का लाइन लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो ऊपर से टीना उना लग गए मस्त देख सकते हो। पहले जब मैं आया था एक हफ्ता पहले आया था, यहाँ पर एक छोटा सा पंडाल बस लगा था, अब यहाँ पर पूरा मस्त लग गया। यहाँ बैठने बैठने के लिए भी सुविधा है यहाँ पर सब। यहाँ पर गड्ढा उड्ढा खोद रहे थे उस समय आया था, तो देख सकते हो यहाँ पर कुंड टाइप बना हुआ है, यहीं से पानी वानी को ले जा रहे हैं सब लोग। यहाँ पर देख सकते हो, देखो पानी को ले जा के पानी को ले जाते हैं यहाँ से डूम डूम के देख सकते हो। और यहाँ पर भजन कीर्तन होता है नाइट में, यहाँ पर साइड में देख सकते हो बनाया गया है मस्त। और लाइट वाइट की सब व्यवस्था हो गया यहाँ पर बढ़िया। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं कंटिन्यू, यहाँ पर पूजा वगैरह कर रहे हैं। तो बाबा एक बात बताओ, ये शिवलिंग के नामकरण हुए कि नहीं हुए अभी? अभी कल आज महाराज है, फिर बाद में बोले कि तीन सकरात के बाद में एक नाम के मतलब उद्ग्रहण हुई करके। अच्छा सकरात के बाद नाम रखी जाए। हाँ हाँ, अभी फिर भी मन में विचार है ककरो की ये नाम से रही एक नाम से तो व्रत से सिद्धेश्वर महादेव, सिद्धेश्वर महादेव के नाम से। अच्छा ऐसे का, तो मतलब सिद्धेश्वर महादेव के नाम से। आप मन के का नाम है बाबा? मोर नाम बैसाखुराम साहू। बैसाखुराम साहू। अच्छा आप मतलब पता है शिवलिंग कब निकले जी से, कितना दिन हो गए? अभी तो ऐसे अभी तो 16 दिन करीब दिखाई में के मतलब वो पड़ी गए तो पहले दिखा रही से। हाँ हाँ, बाकी उससे को जानकारी के मतलब वो नहीं है रही से। बाकी अब जब धीरे धीरे के मतलब एक अवतार हो बढ़त गई रूप है तब से के मतलब वो जानकारी हुई तब से के मतलब फिर दे। हाँ हाँ, 17 दिन करीब 17 दिन बाबा हर सियान यहाँ गांव वाला तो धीरे धीरे अभी सुने मारिस के वो बढ़ते जाते। हाँ तो बाबा बताओ यहाँ के शिवलिंग के बारे में थोड़ा कि अभी यहाँ का माहौल कैसे हो, आकार शिवलिंग के बढ़त कि नहीं बढ़त है? बहुत बढ़ोतरी भी हो रहा है, आकार भी हो रहा है, भी आकार जो है ना दोनों हो रहा है, गुणारी से पूरा गोलाई रूप में सब बढ़त जाते है। अच्छा। और जो पहले तो छोटा ही ऊंचाई कमरी से अब तो बढ़ते ही जाते हैं, जल भी उपयोग है, मिट्टी भी उपयोग है। मतलब एक मिट्टी उट्टी से कुछ लाभ वगैरह? हाँ बहुत लाभ, फर्क पड़ता है। अच्छा अभी जन गाड़ी परसों ले गई ना, तत्काल भोलेनाथ लेकर तत्काल चरणों जाकर मिली गाड़ी। अच्छा गाड़ी यहाँ से चोरी हो गई से? अच्छा गाड़ी चोरी हो गई, गाड़ी चोरी होने के बाद में ना फिर वो वहाँ मुलाकात हो गए यहाँ से करी से फिर। अच्छा पर सदा पूरा करी यहाँ से दर्शन करके किस, तो फिर गाड़ी जो चोरा रही सो मिल गई मतलब? अच्छा रहे थे चोर पकड़ा गए ऐसे का, चलो बढ़िया है। तो देख सकते हो यहाँ पर भगवान से सामने में सुनील मिलत की यहाँ की जो शिवलिंग है ऊपर दर्शन करे से आपके मनोकामना वगैरह पूरा हुआ थे। तो आप मन भी जरूर आओ यहाँ, जो जो वीडियो देखा था वो एक बार दर्शन कल है उकर से बात करते नहीं। कहाँ से आए अंकल अपन? मैं रायपुर से आया हूँ। अच्छा जानकारी कब हुई साहब मन ला? ऐसे तो अब तक 10 दिन हो गए जब से शुरुआत हुई तब से। हाँ हाँ, चलो आज समय निकाल के भगवान जी के दर्शन कर रहे थे भोलेनाथ के। अच्छा यूट्यूब के माध्यम से ही पता चले है। तो मैं भी पहली आ रहा हूँ, शुरू में आ रहे हैं एक हफ्ता पहले आ रहा हूँ यहाँ पर, जो यहाँ पर सभी छोटे से पंडाल टाइप लगी सभी बहुत ज़्यादा है मतलब।
वो भगवान की कृपा है जो सब अपन अपन जगह स्थान भी बनवा लिया है। हाँ सही बात, देख सकते हो यहाँ पीछे में भी कंटिन्यू धीरे धीरे लोग मन आ जाते हैं यहाँ पर दर्शन वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो जो टीन लगा है वो पूरा यहाँ पर जो भी दान मन हुआ है भगवान भोलेनाथ का उसी के द्वारा ही यहाँ पर बनाया गया है। और कुछ लोग इसमें सहयोग दिए हैं, बहुत गांव वाले और समिति वाले जो भी हैं, और जो लोग बोलते हैं यहाँ पैसा कमाने का तरीका है धंधा, उन लोग को बोलना चाहता हूँ भाई लोग ये ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो जो भी होता है वो भगवान के काम में ही लगाते हैं। यहाँ पर आगे चल के यहाँ पर मंदिर भी बनेगा, यहाँ पर देख सकते हो। और जो शिवलिंग है उसका यहाँ पर सिद्धेश्वर महादेव के नाम से रखा जाएगा। अभी यहाँ पर एक बात चला है, अभी नामकरण नहीं हुआ है क्योंकि अभी सकरात चल रहा है, सकरात के बाद ना यहाँ पर इनका नामकरण होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कंटिन्यू लोग आ रहे हैं, कंटिन्यू का दिनों दिन बहुत बढ़ता जा रहा है। और ये पहले उस समय आया था तो ये मतलब त्रिकोण टाइप था, अभी एकदम गोल हो गया है, गोल से दिख रहा है, देख सकते हो आप। उस समय आया था तो एकदम त्रिकोण में दिख रहा था, त्रिकोण आकार में, अभी सब तरफ से बढ़ गया है, चारों तरफ गोल भी हो गया है और बराबर भी हो गया है और लंबा भी हो गया, बढ़ गया है, देख सकते हो। तो ये छोटा सा कुंड है जहाँ पर महादेव का जो चढ़ा वाला जल यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर भरा हुआ है। इसको जल को ले जाने से और पीने से मन शांत हो जाता है, एकदम हल्का हो जाता है, देख सकते हैं। यहाँ से ले जाते हैं कुंड का जो जल, ऐसा गांव वाले लोग भी बोल रहे हैं। अभी सकते हैं भैया मन है बाहर से आए मन है, तो भैया आप मन कहाँ से आए आप मन? मैं बरौंडा से आया, सारा गांव पास से बरौंडा, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। हाँ हाँ, तो वहाँ से आया तो यहाँ पर देख सकते हो भैया आए दर्शन करी से यहाँ पर। तो भैया दर्शन करके आपको कैसे लगी से यहाँ पर? यहाँ हमला बहुत ही अच्छा सकून मिली से दर्शन करें बाबा से, तो कुछ ही तो दूर दूर हो ही करके ये उद्देश्य से लेकर आए हैं। और जो भी मनोकामना लेकर आए हैं वो मनोकामना हमारे पूर्ण होना चाहिए, ये हमारे मन की है। काबर की भगवान ये जो महादेव है, तो चार महीना पहले जो खेती किसानी चलत रही सो समय में बहुत छोटे रीस बताते, अभी 12-13 दिन ही हुए है जो एक फीट ऊपर आगे है। अच्छा, तो रूप बढ़त जाते तो हम भगवान महादेव से यही प्रार्थना करथन कि भगवान भोलेनाथ सबके यहाँ जो भी आपके शरण में आते हैं दुख दूला दूर कर ही, ऐसे हम लोग उम्मीद है। और भगवान से भी यही प्रार्थना करथन कि जितना भी दुखारी यहाँ आपके दर्शन के लिए आते हैं मन के दुख दर्द पूरा करें। हाँ हाँ, तो आप मन देख सकते हो ये भैया जो सबसे पहले यहाँ के शिवलिंग के दर्शन हो रही शिला, तो इनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ का शिवलिंग का नामकरण हुआ है कि नहीं हुआ है। तो भैया आप मन थोड़ा जानकारी दो यहाँ के शिवलिंग के बारे में। मुरमूर चंद जोशी नाम है। हाँ हाँ, ये शिवलिंग के नाम रही से पहले हमारा करें शंभु महादेव। अच्छा, है ना, उसके बाद में पंडित आरिश कल सिद्धेश्वर महादेव रखे। ध्यान से बात करें तो बताइए, यहाँ पर सिद्धेश्वर महादेव के नाम से रखे।
तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर सिद्धेश्वर महादेव जो तिरैया के जो शिवलिंग है वो सिद्धेश्वर महादेव के नाम से जाने जाही। जो आप मन अभी यहाँ दर्शन करे हो, दर्शन करके जात हो आत हो तो सिद्धेश्वर महादेव कहलाही यहाँ पास। और फ्यूचर में आगे मंदिर वगैरह भी बनी मस्त, अभी मंदिर बने के यहाँ तैयारी भी चला था। तो भी आप मन मंदिर बने तो ये मतलब कुछ जानकारी दे सकते हैं मंदिर वंदिर बने? जगह वाला जगह दे है। हाँ हाँ सुने हो 5 लाख? अच्छा ऐसे कुछ चढ़ा। हाँ हाँ गाँव की समिति वगैरह समाज से पूरा धीरे धीरे सब चढ़ा जाते सतनामी समाज के अपन जलकुंडी बोला दे इन सिंधान खाली कोनो को धन जैसे पैसा चढ़ाओ जैसे करके रोड और मंदिर बना है। अच्छा दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर सभी गांव वाले और समाज वाले पूरा आसपास के सभी एक साथ सहयोग से यहाँ पर मंदिर का निर्माण होगा अभी। तो बहुत बढ़िया भैया जानकारी दे आपने। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहली शुरू वाला जगह, यहाँ पर पार्किंग वार्किंग की पूरा व्यवस्था है, यहाँ पर सब जगह पूरा तो दोस्तों यहाँ पर जो शिवलिंग देखे हो तिरैया के वो सिद्धेश्वर महादेव के नाम से रखे गए हैं। और अभी यहाँ जो फ्यूचर में अभी मंदिर बनने वाला है यहाँ पर अभी बात बात भी चला थे। तो यहाँ पर ये शिवलिंग जो निकले तिरैया में वो सिद्धेश्वर महादेव के नाम से जाने जाए यहाँ पर कल।